आप सबका बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है एंड धन्यवाद करना चाहूँगी मुंबई कैंसर एसोसिएशन का कि आज उन्होंने यहाँ मुझे निमंत्रण दिया आने के लिए. मैंने काफ़ी बातें सुनी और काफ़ी कुछ समझ आया, थोड़ी चीज़ समझ में नहीं आई, लेकिन इतना सब सबने कहा है. एक चीज़ मैं समझती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है जो लोगों की स्ट्रेस भरी ज़िंदगी एंड स्पेशली जो आप लोगों का काम है, जो पुलिस जॉब है, वो मैं समझती हूँ सबसे स्ट्रेस भरा या सबसे टेंशन भरा, सबसे सस्पेंस भरा काम है. कुछ आसान नहीं है आपकी जगह में रहना या आपकी वर्दी में रहना और उसे सही ढंग से निभाना. उसके लिए पहले तो मैं आप लोगों को सल्यूट करती हूँ. इन लोगों को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगियाँ कैसे लीड करते हैं, कैसे कैसे बिताते हैं. इस ज़िंदगी में बहुत ज़रूर स्ट्रेस बहुत है एंड मैं समझती हूँ वैसा वो स्ट्रेस है जहाँ आपको उस मुकाम तक ले आता है जहाँ आपको लगता है यार एक सिगरेट ले लें या थोड़ा सा तंबाकू खा लें, थोड़ी स्ट्रेस रिलैक्सेशन हो जाएगी यार, दिमाग हल्का हो जाएगा. होता है कि नहीं? बिल्कुल. तो यही एक मेन कारण है मुझे लगता है आपकी आपके जॉब में या जो पुलिस फोर्स में है कि कहीं ना कहीं वो एक रिलैक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है. उस को किस तरीके से टैकल किया जाए, उसके लिए एक अलग कुछ और रास्ता निकाला जाए जहाँ पर आप मैं एक छोटा सा इंसिडेंट दूंगी. हम फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर्स हैं, पब्लिक लाइफ है, मीडिया का प्रेशर है, कोई कुछ बोल रहा है तो कोई कुछ बोल रहा है, तो हमारी भी ज़िंदगी आसान नहीं है. लेकिन हाँ, ज़रूर ये है कि कभी ना कभी ऐसे चीज़ें हो जाती हैं. कुछ ही दिन पहले ये पेपरों में भी आया था, मुझे ऑफर हुआ था, जैसे मैम बता रही थी ये गुटखा का और पान मसाले के जो इंडोर्समेंट्स होते हैं, एड्स होते हैं, मुझे भी ऑफर हुआ था. और मुझे ऑलवेज़ एक ये बात जहन में रहती है, दिमाग में रहती है कि पापा ने बहुत पहले बोला था कि बेटा पैसे आते रहेंगे लेकिन जो आपका आत्मविश्वास है और जिस मॉरल्स में आप यकीन करते हो उस रास्ते से कभी डगमगाना नहीं. तो जहाँ ये मुझे इंडोर्समेंट ऑफर हुआ, पैसे बहुत अच्छे थे, चलो एड्स में हम आर्टिस्ट लोग भी कमा लेते हैं, मेन तो हमारा जॉब ये है एक्टिंग करना, फिल्म्स करना, एड्स करना, लेकिन जहाँ इसकी बात हुई मैंने कहा नहीं, टुडे मैं आज खुद एक माँ हूँ, मेरे दो छोटे बच्चे हैं और उसके अलावा मैं कुछ लोगों की शायद रोल मॉडल हूँ जिस तरीके से आप हैं. आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि मैं जब कॉलेज में थी किरण बेदी की फ़ैन थी और मुझे IPS का एग्ज़ाम देना था, लेकिन वो हुआ नहीं, फिल्में हो गई, थोड़ा रास्ता उस समय डगमगा गया, नहीं तो आज मैं भी शायद सर आपके साथ बैठी होती थी किसी वर्दी में. एग्ज़ाम नहीं दे पाई, SYBA में, FIBA में, FIJC में ही मैंने पत्थर के पुल साइन कर ली एंड देन हिस्ट्री. तो ये जब एड मुझे आया, मुझे बिलीव नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगे, मैंने अपने एजेंट को बोला नहीं यार, पर बोला पहले सुनो तो सही, दे आर विलिंग टू गिव सो मच. मैं कहा नहीं यार, जो असूल है ये ऐड तो मैं करूँगी नहीं. और वो पेपरों में भी आया था, बहुत बड़ी बात बन गई थी कि मैंने पान मसाले का इंडोर्समेंट इतने इतने में मना कर दिया था. लेकिन जहाँ तक कि आप लोग की बात है, आप लोग की जिंदगियाँ भी ऐसी ही स्ट्रेसफुल हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो अपने असूल हैं, आप भी किसी के रोल मॉडल हैं. तो अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं कि हमारे हीरोज़ और हीरोइंस रोल मॉडल्स हैं और कहीं ना कहीं हमें अपने असूलों को पकड़ कर चलना चाहिए कि आज बच्चे देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं और मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, उसी तरह आप हम लोगों के लिए रोल मॉडल हैं. आप लोग हमारे हीरो हैं, आप हमें सुरक्षित रखते हैं. हम तो पिक्चरों में कर लेते हैं, आप तो रियल लाइफ में स्ट्रेस लेते हो. तो बात ये हुई कि अगर आप अपने आप को हीरो नहीं महसूस करोगे तो आप हमारे हीरो कैसे बनोगे. खुद में अपने आप में अपने आप के हीरो बनो, बोलो यार इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में बहुत स्ट्रांग हूँ, लाओ ज़िंदगी दो मुझे, जो भी झेलना है मैं अपने आप झेलूँगा, मुझे इसके सहारे की ज़रूरत नहीं है. वो अगर आप बात आप में आ जाए तो आप आज नहीं कर ली इसी समय बोलोगे यार इसकी ज़रूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच, मैं अपने आप में अंदर से ही बहुत स्ट्रांग हूँ और अपने आप का हीरो हूँ. आपके नहीं, आप अपने परिवार के भी हीरो बन जाओगे और हमारे भी हीरो बन जाओगे क्योंकि हम यही बात फैलाने के लिए आए हैं.
तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग आए हैं और आप लोग बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं. भूख भी लगी होगी, लंच टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ी देर और ये मैसेज आप अपने आप में ही नहीं रखिए, ये मैसेज आप आगे ले जाइए और आगे भी आपके कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, उसमें फैलाइए, तो हम सोचेंगे कि हमारा इवेंट सक्सेसफुल हुआ. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद. मैं समझती हूँ ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए जैसे कि हम सुन रहे हैं, और आज जानकारी मिली है कि 70% हमारे पुलिस फोर्स आर एडिक्टेड टू टोबैको. तो ये जैसे कि मैंने कहा कि पुलिस फोर्स हमारे लिए एक रोल मॉडल है, तो आगे इनको भी यही फॉलो करना चाहिए. और कहीं ना कहीं ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पुलिस स्टेशन को स्मोक फ्री बनाना. सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप एंड ये बहुत कामयाब होना चाहिए. Talk to me about the event, darling. I have to go back and confirm the show. बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग रोल मॉडल्स हैं और हमसे भी शुरुआत होनी चाहिए, जैसे कि हमारी पुलिस फोर्स, वो भी हमारे रोल मॉडल्स हैं. तो अगर हम जो मेन मेंबर्स हैं सोसाइटी, जो पीपल लुक अप टू अस फॉर समथिंग और दी अदर, तो अगर हम अच्छे एग्जाम्पल सेट करें तो आगे लोग यही फॉलो करेंगे. थैंक यू सो मच. काम कर रहे हैं और बहुत गर्व महसूस होता है कि हम उनके परिवार के एक सदस्य हैं. और जैसे ही हम उनके बारे में सोचते हैं, वैसे ही हर मुंबईकर का परिवार का एक सदस्य होता है मुंबई पुलिस, जिन्होंने आप कुछ भी बोल लो, अगर वो नहीं होते तो आज हम महसूस नहीं फील करते, हमारी परिवार महसूस नहीं फील करते. पूछो राजधानी जो है आपकी दिल्ली, आप वहाँ कैपिटल में ज़्यादा महसूस फील करते हैं, यू फील मोर सेफ, या फिर हिंदुस्तान के मुंबई शहर में फील करते हैं, तो सब आपको बोलेंगे मुंबई. तो इसका श्रेय जाता है मुंबई पुलिस को. हम चाहते हैं कि वो उनके परिवार वाले जो उनकी हेल्थ के लिए चिंता करते हैं, उनकी हम चिंता दूर करें. और पिछले साल हमने BEST के साथ में ऑलमोस्ट 50,000 कर्मचारियों का हमने फ्री कैंसर के लिए टेस्ट रखा, चेकअप किया और एडवोकेसी की, उनको समझाया कि क्यों तंबाकू के पदार्थ छोड़ने हैं, और बहुत सक्सेसफुल रहा BEST के साथ में हमारा रन. अब हम चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस के साथ जिस तरह से करेंगे, 93 स्टेशन है, 55,000 पुलिस फोर्स है, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हैं, ये सब हम टबैको फ्री जोन करना चाहते हैं. और जो हमेशा फिल्मों में मुंबई पुलिस के लोगों को ये करते हुए दिखाते हैं हम लोग, ये बंद हो जाए. अब मुंबई पुलिस का किस तरह का रिस्पांस रहा? बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस रहा. आप लोग खुद भी थे, सारे मीडिया वालों को मैं शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि पिछले 13 साल से मैं देख रहा हूँ कि जब भी कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन का इवेंट होता है, हर साल हम जो वर्ल्ड नो टोबैको डे का इवेंट करते हैं, तो आप लोग इतनी भारी तादाद में आते हैं और इस बात का प्रचार करते हैं, और आपके प्रचार के माध्यम से बहुत लोगों की हेल्थ को फ़ायदा होता है. आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 5,000 बच्चे, हर दिन, एवरी सिंगल डे, 365 दिन होते हैं साल के, हर दिन 5,000 बच्चे पूरे हिंदुस्तान में तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं. उनका जो अनुभव है, उनका जो पहला स्वाद है, पहला एक्सपीरियंस, 5,000 ऐसे बच्चे होते हैं हर दिन इनका शुरू होता है. और कुछ बच्चे तो 21-22-23 साल तक ही जीते हैं, फिर ओरल कैंसर वगैरह होने से मर भी जाते हैं. 31 साल के आज कुछ लोग थे जिनको हमने अपनी बोलने के लिए वॉइस बॉक्स दिया, जो अपनी आवाज़ 31 साल की उम्र में खो चुके हैं. पूरी ज़िंदगी अब कैसे बताएं, वॉइस बॉक्स उनको लेके चलना पड़ता है, कुछ भी अगर बोलना है, कम्युनिकेट करना है, ये सब चीज़ें एक रियलिटी है और इसे पूरे समाज तक पहुंचाना बहुत बहुत ज़रूरी है. और हम चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस जिन पर हम मुंबईकरों को बहुत गर्व है, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने इस साल के लिए और टबैको फ्री मुंबई पुलिस बना. विवेक, बीच में खबर आई थी कि आपने नागपुर में एक इंस्टीट्यूट है, उसमें भी आपने फंडिंग की है, तो थोड़ा बताएंगे? यार, ये सब चीज़ें जब होती हैं तब बात करना अच्छा लगता है, और मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा काम में है, अच्छा काम हो. नाम ने बहुत दिया है तो मुझे अपना नाम जोड़ने का कोई शौक नहीं है, इसमें पब्लिसिटी या माइलेज का कोई शौक नहीं है, तो मैं इसमें इसको एज ए चैरिटेबल करना चाहता हूँ. ये जब होगा तब आप लोग सराहेंगे तो अच्छा होगा. ज़्यादा मैं इसके बारे में प्रचार नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैं
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जील परिवार का। त्रिवेदी जी मेरे साथ में हैं, उनके बेटे भी मेरे साथ में हैं, और इन्होंने जिस तरह से एक फ़ोन कॉल पर, मैंने कहा कि हमें स्पॉन्सर चाहिए ये इवेंट कराने का, CPAA के पास हमेशा फंड्स की कमी रहती है क्योंकि हम हज़ारों पेशेंट्स की फ्री कीमोथेरेपी और फ्री दवाएं हम देते हैं, गरीब जो पेशेंट आते हैं कैंसर पीड़ित, तो हमने इनको एक फ़ोन किया और उन्होंने पूरा इवेंट स्पॉन्सर किया, और ना ही सिर्फ इवेंट स्पॉन्सर किया, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये भावना, ये प्रेम अगर और लोगों से मिले CSR की तरफ, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देश की मिट जाएंगी। देखिए खराब खराब सड़क और पॉटहोल से आपको तकलीफ होती है मुंबई में? यार मैं फोकस करना चाहूँगा, आई नो आपके बहुत सारे सवाल हैं और मैं ज़्यादा निकलता नहीं हूँ, लेकिन मैं फोकस करना चाहूँगा इस कॉज को। आई रिस्पेक्ट कि आपको बहुत सारे दूसरे सवाल भी होंगे, बट मैं अपनी फिल्मों के बारे में भी अभी नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये जो संदेश है ये बहुत सीरियसली आवाम तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। हम हर साल ऐसे एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर कोशिश करना चाहते हैं। जो आपने प्लकार्ड देखा, जो हमने लॉन्च किया, ये प्लकार्ड मैं स्वयं खुद जाकर हर एक पुलिस स्टेशन पर एक बार ये अचीव हो जाए, टबैको फ्री पुलिस स्टेशन, तो मैं जाके खुद लगाना चाहता हूँ, लोगों को प्रेरित कर पाऊँ और मीडिया का ध्यान इस पर आकर्षित कर पाऊँ, ताकि हमारे प्रयास किए भी हमें देखकर ऐसे कई सारे स्टेट्स में जो पुलिस हैं, फोर्स हैं, वो भी ये काम, ये चलन करना शुरू करें, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। दिन रात निकल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए हम मुंबई वाले खासकर आप लोगों को थैंक यू कहते हैं। बस यही कहना चाहूँगा कि 12-13 साल हो गए हैं मुझे इस कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन परिवार के साथ जुड़कर और ब्रांड एम्बेसडर होकर, और इससे बड़ा गर्व और गौरव जो आज उन्होंने मुझे दिया है, जो प्यार मुझे देते हैं जब भी मैं कैंसर पीड़ित बच्चों से मिलता हूँ, और जिस तरह से वो मुझे प्यार से विवेक भैया कहते हैं, मेरे लिए एक प्रार्थना करते हैं, कभी कभी गले लगते हैं, ऊपर वाले की कृपा से बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, लेकिन वो सब अवार्ड एक तरफ और ये प्यार एक तरफ। CPAA में और हमारी पुलिस में एक चीज़ कॉमन है, सेवा की भावना। 46 साल से हम लोग सेवा कर रहे हैं और आप लोग तो उससे कई ज़्यादा निस्वार्थ भावना से जिस तरह से हमारी पुलिस सेवा करती है, हमें मौका मिला कि हम भी कुछ हमारी पुलिस के लिए करें, और जो आपकी पीड़ा है, जो आपका दर्द है, उसे हटाने के लिए थोड़ा सा हम भी मेहनत करें आपके साथ। हमारी पुलिस के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम दिल्ली से कंपैरिजन करते हैं, दिल्ली तो राजधानी है भाई पूरे देश की, फिर भी अगर आप किसी से भी पूछ लीजिए कि दिल्ली ज़्यादा सेफ सिटी है या मुंबई, आपको जवाब मिल जाएगा मुंबई, पूरे हिंदुस्तान में मुंबई है। इसके लिए मैं आपका सलूट करता हूँ, और हमको, हमारी पुलिस को, हमारी पुलिस के जितने कर्मचारी हैं, उन सबको क्षमता के लिए हम 100% देते हैं मार्क्स, मेहनत के लिए, निस्वार्थ भावना से काम करने के लिए हम 100% मार्क्स देते हैं, लेकिन टबैको में हम अगर 70% देंगे, ये बहुत बुरी बात है। हमारी वर्दी पे एक धब्बा है, धब्बा ये हमको हटाना है, कुछ भी करके हटाना है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी फिल्मों में 1950 से लेकर 2015 तक कभी भी हम किसी कांस्टेबल का सीन देखते हैं कि कांस्टेबल खड़ा है, चाहे ट्रैफिक कांस्टेबल हो, चाहे पुलिस वाला हो, तो दो तीन चीजें कॉमन रहेंगी, एक तो उसका नाम पांडू रहेगा, दूसरा उसको हम ये करते हुए दिखाएंगे ऐसे कि तंबाकू रगड़ रहा है, मसाला रगड़ रहा है, अपने कोट के पीछे डालेगा। अभी ये चीज कैसे बंद होगी जब हम ये लाइव देखेंगे नहीं, जब ये चीज पुरानी हो जाएगी, तब फिल्मों में दर्शाना बंद हो जाएगा। लोग बोलेंगे यार ये तो पहले हुआ करता था, आप नहीं करती मुंबई पुलिस ऐसे, ये हमें अचीव करना है। तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि ये पान मसाला गुटखा ये सब रगड़ना बंद करो और क्रिमिनल्स को रगड़ते रहो। हमने पिछले साल बहुत सक्सेसफुली BEST के साथ किया, सिंगल जी का, हाँ, इनकी मदद से हमने बहुत सक्सेस अचीव किया है,
और मेरी ये मंशा है, मेरी ये विश्वास है आप लोगों में, मैं आज अपना विश्वास आप लोगों में रख रहा हूँ कि जो बीएसटी को हमने मार्क्स दिए उससे ज्यादा मार्क्स हम आपको देंगे। एक साल के अंदर अंदर पूरी पूरी मुंबई पुलिस टबैको मुक्त होनी चाहिए। हमारे पास 93 पुलिस स्टेशन हैं, मैंने सुना, am I right sir? और 55,000 पुलिस फोर्स, श्रीजा जी कह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि टबैको मुक्त हम बने और पूरे हिंदुस्तान को एक मिसाल बन के दिखाएं। और इसके लिए मैं वादा करता हूं कि हर इंडिविजुअल पुलिस स्टेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो या ब्रांच हो, चाहे कितने भी हो, अगर उन्होंने अचीव किया कि 90 दिन हम टबैको फ्री रहे, तो मैं स्वयं वहां पे आऊंगा, सत्कार करूंगा और वहां पे एक पोस्टर लगाऊंगा, ये सब टबैको फ्री। शूटिंग हो, कुछ भी हो, मैं आऊंगा और आप लोगों का सत्कार करूंगा और ये मेरी इच्छा है कि आप ऐसे करें। बाकी एक और बात कहना चाहूंगा कि जैसे हम प्रेरित करते हैं, आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे पुलिस वाले इतने आला अफसर आए हैं। और जिस तरह से मैं देख रहा था कि जब पसरीजा जी हमारे 3 पुलिस वाले भाइयों को मेमेंटो दे रहे थे, जिस तरह से उन्होंने कड़क सलूट मारा, बॉडी तन गई बिल्कुल एकदम, तो अच्छा लगा कि कितनी प्रेरणा हमारे अफसर देते हैं हमारी फोर्स को। फोर्स वाले बड़े अफसरों की बात सुनकर इतने इंप्रेस हो जाते हैं। तो आपका इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहेगा और आप लोग इसी तरह इनको इंप्रेस करते रहिए कि तबाकू हमको छोड़ना है। और मुझे लग रहा है कि आपके मार्गदर्शन में यह काम हो जाएगा, एक साल के अंदर हो जाएगा। WHO भी हमको बहुत सपोर्ट करके आई है, मिस गिल तो बहुत सालों से हमारे साथ ही हैं। 10 साल पहले इन्होंने मुझे जिस तरह से अवार्ड दिया था, पुरस्कार दिया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली जो मुझे अच्छा लगा, छाती चौड़ी हो गई कि ये करना है। और फाइनल बात मैं यही कहूँगा कि मैं जानता हूँ मेरे पुलिस में बहुत सारे दोस्त, हर लेवल के दोस्त, और जब मुझ पर थ्रेट्स आई थी अंडरवर्ल्ड से, मेरे परिवार पर थ्रेट्स आई थी, तो 24 घंटा यही पुलिस मेरे साथ में मेरी रक्षा करती रही। और उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन तब मैंने देखा कि जब पुलिस वाले पर स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, तब वो सोचता है कि ये स्ट्रेस निकालने के लिए थोड़ा सा मैं सिगरेट पी लूं, नशा कर लूं, तंबाकू गुटखा कुछ कर लूं, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि अगली बार आप इसका ये तंबाकू का पाउच खोलने लगे तो इतना याद रख लेना कि आप खुद का तो स्ट्रेस कम कर रहे हो, लेकिन वो लोग जो आपके लिए जीते हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, तो इतना याद रख लेना कि आप खुद का तो स्ट्रेस कम कर रहे हो, लेकिन वो लोग जो आपके लिए जीते हैं, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपके पिता, आप उनको ये स्ट्रेस दे रहे हो। क्योंकि कभी ना कभी ये जो है ये मौत का EMI है। जितनी बार आप खाओगे, जितनी बार EMI बढ़ते जाओगे, एक ना एक दिन ये आपको लेके जाएगा, ये मौत का EMI है। तो आप अपना स्ट्रेस हटाने के लिए, इंसान मेहनत करता है कि अपने परिवार पर कोई स्ट्रेस ना आए, इंश्योरेंस इसलिए निकालता है कि मैं गया तो भी चलेगा, परिवार वाले सुरक्षित होने चाहिए, ये बात सोचिएगा जरूर ये चीज हाथ लगाने से पहले कि इसको हाथ लगा के मैंने 2 मिनट के लिए अपना स्ट्रेस कम कर दिया, लेकिन मेरे परिवार का स्ट्रेस बढ़ा दिया, मेरे बच्चों का स्ट्रेस बढ़ा दिया। जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र।